अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये देखें, शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे। ये केज आ गया जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब उसके बाद ये केज का काम रुका नहीं है। ये देखें, उसके लिए और सामान अभी मैं लेके आया हूँ। ये जाली और आ गई है, और उसके बाद ये फ्लेक्स आ गई है जो ये ऊपर हमने लगानी है। ये ऊपर फ्लेक्स लगानी है ताकि उनको वाइल्ड वाला पूरा व्यू माहौल मिले। तो ये तो हो गया पक्का। तो अब ये बाकी सामान भी आ गया। दाने वाली दुकान बंद हुई हुई थी, तो ये थोड़ा बहुत दाना मैं ले आया हूँ। मैंने कहा बाकी कल ले लेंगे, तो अभी मैं किलो दाना ले आया हूँ। तो बाकी अब इंशाल्लाह कल लेके आएंगे। तो चलें अब ये फ्लेक्स को यहाँ पे ऊपर लगाते हैं। तो चलें अब आपको फ्लेक्स को भी खोल के दिखा देते हैं कि फ्लेक्स जो हमने बनवाई है वो अंदर से कैसी नज़र आती है। ये देखें कुछ इस तरह की लुक है फ्लेक्स की। तो अब इसको जब ऊपर लगाएंगे तो और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। ये बादल बने हैं, ये सारे बादल हैं, तो इनको ऊपर लगाते हैं। तो चलें अब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, लगाते हैं, तो फिर आपको लगाते हैं। यहाँ से ये देखें, ये सारे बादल बने हैं। ये जाली का आगे गेट बनेगा और हमारा काम क्लियर। ये देखें कितना प्यारा लगेगा जब ये ऊपर लग जाएगी फ्लेक्स। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बाकी आप लोगों को भी उम्मीद है अच्छा ही लगेगा। तो चलें इसको सही करके लगाते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। भाई आप देख सकते हैं, अब ये केज का गेट भी सारा बन गया। ये कितना बड़ा गेट इसका हमने बनाया ताकि हम आराम से यहाँ से अंदर भी जा सकें, और जब इनको आज़ाद करना है पकड़ने के लिए बड़ा गेट भी चाहिए ना, छोटे गेट से हम अंदर नहीं जा सकते। तो ये देखिए कितना बड़ा गेट बनाया, अब इजीली हम इसके अंदर भी जा सकेंगे और इनको देख भी सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत करने के बाद ये देखें, ये एक साइड का दरवाज़ा पूरा खड़ा हो गया। तो अपने हाथों का हाल देखा तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ जख्मी हुए हैं सारे, हून हून हुए हैं। ये देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये पूरी विंडो ऐसे खड़ी हो जाएगी, इसको विंडो ही कहेंगे। अब इसके आगे दरवाज़ा बनेगा और ये इसके ऊपर थोड़ी सी वो लकड़ी का हिस्सा लगना है, और उसके बाद ये आगे दरवाज़ा लगना है। नीचे भी थोड़ी सी सेटिंग करना है।